ये है कपिल और ऋतिक, दोनों ही सगे भाई हैं, पर दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जहाँ ऋतिक बहुत कम बोलता था, वहीं कपिल बहुत ही ज़्यादा बोलता था। वो हर बात पर और कभी कभी बिना बात पर भी बोला करता था। मम्मी आज टीचर सबसे एक एक करके सवाल पूछ रही थी। जब मेरी बारी आई तो मैंने टीचर के बिना सवाल पूछे ही आंसर दे दिया। फिर टीचर ने मुझे डंडे से बहुत मारा मम्मी। अरे बेटा, तुमको टीचर को पहले सवाल तो पूरा सुन लेना चाहिए था ना। टीचर क्या पूछ रही थी उसके बाद तुम जवाब देते। तुम ना बहुत ज्यादा बोलते हो, इतना ज्यादा भी मत बोला करो। उतना जवाब दिया करो जितना तुमसे पूछा गया हो। हमें हमेशा कम और मीठा बोलना चाहिए। अगर हम ज्यादा बोलते हैं तो लोग हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर देते हैं। पर मम्मी मैं तो हमेशा कम बोलता हूँ, मुझे तो पता भी नहीं ज्यादा क्या होता है। ऋतिक ये लो तुम्हारे लिए नई बुक्स, और कपिल ये तुम्हारे लिए टेडी। थैंक यू बुआ जी। बुआ जी आप ये टेडी मेरे लिए क्यों लाए? मेरे पास तो पहले से ही एक टेडी था। अगर आप मुझे पूछ लेती तो मैं एक बार बता देता कि मुझे कौन सा टेडी चाहिए। ठीक है कपिल, कुछ लेने से पहले अगली बार तुमसे मैं पूछ लूंगी। अरे बुआ जी इसमें पूछने की क्या बात है, अगली बार आप मुझे बाजार ले जाना, मैं अपने आप एक अच्छा टेडी पसंद कर लूंगा, आप उसे खरीद के दे देना। ठीक है ठीक है, तो चलो फिर चलते हैं बुआ जी। तो बताओ बुआ जी कब ले जाओगी मुझे बाजार, बताओ बताओ बताओ। अरे बुआ जी बताओ ना। बेटा कपिल बुआ को तंग मत करो। आइए बुआ जी आप इधर आइए आइए। अरे मम्मी मैं बुआ जी को तंग थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उनसे बातें कर रहा हूँ। इस बार की छुट्टियों में तो हम मनाली जाने वाले हैं। अरे मम्मी मनाली तो हम पिछले साल ही गए थे, और हाँ बुआ जी उससे पहले तो हम स्विट्जरलैंड गए थे, आप तो कभी गए भी नहीं होंगी। गर्मियों में तो वहाँ पर बहुत मजा आता है, वहाँ पे स्नो गिरती है और वहाँ पर तो बहुत सारी स्वेटर्स पहन के रहना पड़ता है, क्यों मम्मी? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे मम्मी इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ जाने वाले हैं? मम्मी मनाली मनाली के चक्कर में मत पड़ना। बेटा तुम अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहीं बैठे रहो, ज्यादा मत बोलो। बुआ इस बार आप मम्मी के लिए गिफ्ट लेकर नहीं आई क्या? अरे बेटा तुम अपना मुंह बंद करके चुपचाप यहीं बैठे रहो ना। अरे बेटा मैं गिफ्ट लेकर आई हूँ, देखो ये तुम्हारी मम्मी के लिए साड़ी लेकर आई। वाह बुआ मम्मी के लिए आप कितनी अच्छी गिफ्ट लाई, आपकी चॉइस ना बहुत अच्छी है, बस आप मेरे लिए ही कुछ अच्छा नहीं लाती, सबके लिए कितना अच्छा अच्छा लेकर आती हैं। अरे बेटा ऐसा नहीं कहते, हमें जो मिल जाए ना उसी में खुश रहना चाहिए हमें। अच्छा मैं चलती हूँ सोने। अरे बुआ आप इतनी जल्दी सो जाती हो, मैं तो कभी नहीं सोता इतनी जल्दी। अरे बुआ इतनी जल्दी मत सोया करो, अपनी लाइफ को थोड़ा एंजॉय करो। देखो मैंने अपने पूरा होमवर्क कर लिया फिर भी नहीं सोया। अरे बुआ आप तो 4-5 दिन बाद आने वाली थी, इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? चलो कोई बात नहीं आ गई जैसे भी। ओ बुआ लगता है आप सो गई, चलो गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। अरे बुआ आप इतनी देर तक सोती हो, देखो मैं तो जग गया, मैंने चाय भी पी ली और मैं तो मॉर्निंग वॉक के लिए भी चला गया, मैंने अपना होमवर्क भी कर लिया, आप अभी तक सो रही हो। चलो बुआ आ जाओ खाना खाने। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए, ज्यादा रहना ठीक नहीं इस कपिल के चक्कर में। अरे बुआ आप इतनी धीरे धीरे खाना खाती हो, और ये क्या आपकी प्लेट में बस एक रोटी है? मैं तो 4 रोटी खाता हूँ, और आप इतनी धीरे क्यों खाती हो? अरे बुआ आप तो पानी रख के भी नहीं बैठी हो, और थोड़ा ज्यादा खाना खाया करो। अरे बुआ आप अकेले बैठ के क्यों खा रही हो, हम सबके साथ खा लेती, हमने अपने तो खाना खा लिया। अरे बुआ अगर आपको और रोटी चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं जा रहा हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। जी बुआ जी अगली बार जल्दी आना। अच्छा बेटा ऋतिक तुम्हें अगली बार क्या चाहिए? बुआ अगली बार आप आपकी पसंद के कुछ भी मत लाना, मैं चलूंगा आपके साथ मार्केट और मैं बहुत सारे खिलौने लाऊंगा। बुआ जी मेरे लिए मिठाई लेके आना।
अच्छा ऋतिक, मैं अगली बार तो मैं अच्छी मिठाइयाँ लेकर आऊंगी। अच्छा मैं चलती हूँ ऋतिक। अरे मम्मी, बुआ तो मेरे से बात करके ही नहीं गई। बेटा तुमने बहुत ज्यादा बोलते हो। बेटा मैंने कहा था ना, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। ज्यादा बोलने वाले की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हमें ना हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। सोच समझकर ही कम और मीठा बोलना चाहिए। हाँ माँ, मैं समझ गया। आज से मैं कम और मीठा ही बोला करूँगा। ये हुई ना बात, गुड बॉय। ऐसे हमेशा ना सोच समझ कर बोलना चाहिए।